गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कैपिटल अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो आज हम कौन सा अल्फाबेट्स पढ़ेंगे? एम फॉर मंकी और एन फॉर नेस्ट। ओके बच्चों, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। टुडेज डे 38/2021, टुडेज डे मंडे। क्लास KG1, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे बच्चों? कैपिटल अल्फाबेट्स, M for monkey and N for nest, okay? तो बच्चों अभी हम writing start करते हैं। देखो आपको ये आपकी 4 line की copy, आपको पता है ना alphabets किस में writing करते हैं? 4 line की copy में। तो चलो अभी हम M for monkey 4 lines में writing करेंगे। देखो 1, 2, 3, 3 lines में आपको writing करना पड़ता है, आपको पता है ना। तो चलो अभी start करेंगे writing। Standing line, 1st line से 3rd line तक standing line, 1st line से 3rd line तक slanting line, और 3rd line से 1st line तक slanting line, और 1st line से 3rd line तक standing line। Which alphabet is this बच्चों? M, M for monkey। तो चलो अभी writing करेंगे M for monkey। 1st line से 3rd line तक standing line, 1st line से 3rd line तक slanting line, 3rd line से 1st line तक slanting line, और 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? एम, एम फॉर मंकी। चलो मैं आपको फिर से एक बार राइटिंग कराती हूँ। 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन, 1st line से 3rd line तक स्लैंटिंग लाइन, 3rd line से 1st line तक स्लैंटिंग लाइन, और 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? एम, एम फॉर मंकी। एन फॉर मंकी के बाद क्या आता है बताओ बच्चों? एन फॉर नेस्ट आता है ना। तो चलो एन फॉर नेस्ट की राइटिंग करेंगे। कैसे राइटिंग करते हैं? एन फॉर नेस्ट, 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन, 1st line से 3rd line तक स्लैंटिंग लाइन, और 3rd line से 1st line तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? एन, एन फॉर नेस्ट। तो चलो मैं आपको फिर से राइटिंग करके दिखाती हूँ एन फॉर नेस्ट की। 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन, 1st line से 3rd line तक स्लैंटिंग लाइन, और 3rd line से 1st line तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? N, N for nest। देखो बच्चों प्रॉपर राइटिंग करना, ओके? मैं आपको फिर से एक बार राइटिंग कराती हूँ N for nest की। 1st line से 3rd line तक स्टैंडिंग लाइन, 1st line से 3rd line तक स्लैंटिंग लाइन, और 3rd line से 1st line तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? N, N for nest। आपको पता है ना। तो देखो ऐसे ही आपको प्रॉपर 3 lines में, 1, 2, 3 lines में राइटिंग करना है। टीचर ने कैसे 3 lines में राइटिंग किया, वैसे ही आपको 3 lines में राइटिंग करना, ओके बच्चों? तो चलो अभी मेरे साथ बोलो, M for monkey, N for nest। देखो बच्चों आपको ऐसे ही 3 times M for monkey लिखना है और 3 times N for nest लिखना है, ओके बच्चों? प्रॉपर राइटिंग करना, ओके? देखो बच्चों ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स है, इसमें से आपको अल्फाबेट्स देखने हैं, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई है, ओके बच्चों? देखो बच्चों पेज नंबर 14 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट है? M, M for mango। देखो बच्चों आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये क्या है? मैंगो। आपने फ्रूट्स में पढ़े हो ना, ये मैंगो है, आपको पता है ना, आप खाते हो ना मैंगो। M for mango। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिखाया है? M for moon। moon मतलब क्या होता है बच्चों? चांद होता है। आपको रात में चांद दिखता है ना, आपने देखे हो क्या? क्लाउड्स में होता है वो चांद, आपके आप रात के टाइम में देखना, ओके बच्चों? M for moon। ये देखो बच्चों क्या है यहाँ पे? M for mat। mat मतलब चटाई होती है, आपके घर में है ना चटाई? देखो आपके घर पे डाली रहती है ऐसी चटाई, है ना? M for mat होता है। M for mat, M for mat, M for moon और M for mango। देखो बच्चों पेज नंबर 15 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट है? N, N for nest। देखो बच्चों आपको पिक्चर में ये क्या दिख रहा है, इसे है नेस्ट बोलते हैं। नेस्ट मतलब पता है, नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। आपने देखे हो क्या चिड़िया का घोंसला? मतलब सब जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, वो सब अपना अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट बोलते हैं। देखो बच्चों आपको पिक्चर में ये नेस्ट दिख रहा है, आपने देखे हो क्या घोंसला? N for nest होता है, N for nest, N for net। ये देखो बच्चों आपको पिक्चर में नेट दिख रही है ना, ये नेट से हमें हम इंसेक्ट्स पकड़ते हैं, इसे नेट बोलते हैं। एन फॉर नीब। नीब मतलब देखो बच्चों ये पेन है ना, इस पेन की नीब को बोलते हैं, जिससे हम राइटिंग करते हैं पेन की नीब, उसे नीब बोलते हैं। एन फॉर नीब, एन फॉर नेट,
एंड फॉर नेस्ट। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ना। ओके ये देखो बच्चों, ये हमारी राइटिंग बुक है। आपको पता है ना ये वह बुक है, इसमें हमें राइटिंग करना है, ट्रेसिंग ट्रेसिंग करना है अल्फाबेट्स को, और राइटिंग भी करना है। ओके तो चलो अभी हम ट्रेसिंग करेंगे। देखो बच्चों पेज नंबर 30 पे क्या है, पेज नंबर 30 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है, एम। एम है ना, एम फॉर मंकी दिखाया है। देखो यहाँ पे आपको मंकी की पिक्चर दिख रही है, आपको ये पिक्चर कलरिंग करना है। ओके और यहाँ पे देखो आपको क्लास वर्क की भी सेटिंग करना है। ओके ये मंकी को कलर करना, कौन से कलर का होता है बच्चों मंकी, ब्राउन कलर का होता है, तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर कलर करना है। ये देखो बच्चों, ये है आपका ड्रेसिंग पार्ट, ये है आपका नॉन ड्रेसिंग पार्ट, यहाँ पे आपको एम फॉर मंकी ट्रेस करना है। ओके ये स्मॉल एम है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जब मैं आपको राइटिंग कराऊंगी तभी आपको इसमें राइटिंग करना है। ओके तो चलो बच्चों अभी चलो मेरे साथ ट्रेसिंग करो, ये एम फॉर मंकी हम ट्रेस करेंगे। देखो कैसे ट्रेस करते हैं, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों, एम, एम फॉर मंकी। तो देखो आपको ऐसे ही पूरा ये ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। अभी ये देखो, ये है आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट, तो चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें राइटिंग करना है ना, तो चलो अभी मैं आपको राइटिंग करके दिखाती हूँ। एम फॉर मंकी कैसे राइटिंग करते हैं, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक फिर से स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों, एम, एम फॉर मंकी। देखो आपको ऐसे ही ये ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, और ऐसे ही आपको ये राइटिंग पार्ट कंप्लीट करना है। ओके बच्चों देखो बच्चों, पेज नंबर 32 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है, एन, एन फॉर नेस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेस्ट की आपको पिक्चर दिखाई है। आपने अभी पिक्चर बुक में देखे ना बच्चों नेस्ट की फ़ोटो, तो वैसे ही आपको कलर करना है ये पिक्चर में। ओके देखो, ये है आपका ट्रेसिंग पार्ट, ये आपको यहाँ पे राइटिंग ट्रेसिंग करना है। ओके देखो बच्चों, ये आपका स्मॉल एन है, यहाँ पे आपको राइटिंग नहीं करना है। ओके जब मैं आपको बताऊँगी आपको तभी ही राइटिंग करना है। ओके तो चलो अभी हम ये एन फॉर नेस्ट की ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं आपको ट्रेसिंग करके दिखाती हूँ, आपको भी वैसे ही ट्रेसिंग करना बच्चों। ओके देखो, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्टैंडिंग लाइन। क्या, विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों, एन, एन फॉर नेस्ट। आपको ऐसे ही एन फॉर नेस्ट पूरा ट्रेस करना है यहाँ तक। ओके ये देखो, ये है आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट, तो यहाँ पे आपको राइटिंग करना है। ओके तो चलो मैं आपको भी राइटिंग करके दिखाती हूँ एन फॉर नेस्ट की, कैसे राइटिंग करते बच्चों। देखो ध्यान से, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्टैंडिंग लाइन। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों, एन, एन फॉर नेस्ट। आपको ऐसे ही प्रॉपरली एन फॉर नेस्ट यहाँ पे ट्रेस करना है, एन फॉर नेस्ट की यहाँ पे राइटिंग करना है। ओके प्रॉपर राइटिंग करना बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको फोर लाइन की कॉपी, आपको पता है ना इसमें होमवर्क की सेटिंग करना है। यहाँ पे देखो होमवर्क की सेटिंग करना, होमवर्क लिखना कैपिटल अल्फाबेट्स, और यहाँ पे आज की डेट डालना। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 आपको 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ओके और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश फर्स्ट हाफ में लिखना है, और सेकेंड हाफ में जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, और एल फॉर लायन लिखना है। ऐसे देखो आपको हाफ इसमें सेटिंग करना है, और प्रॉपरली ए फॉर एप्पल लिखना है, बी फॉर बॉल लिखना है, सी फॉर कैट लिखना है, डी फॉर डॉग लिखना है, ई फॉर एलिफेंट लिखना है, एफ फॉर फिश लिखना है। सेम वैसे ही आपको जी फॉर ग्रेप्स लिखना है, एच फॉर हॉर्स लिखना है, आई फॉर आइसक्रीम लिखना है, जे फॉर जोकर लिखना है, के फॉर काइट, एंड एल फॉर लायन। आपको ऐसे ही प्रॉपरली राइटिंग करना है। ओके बच्चों, और नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से होमवर्क की सेटिंग करना है। यहाँ पे होमवर्क लिखना कैपिटल अल्फाबेट्स, यहाँ पे आज की डेट डालना। ओके 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पे 5 लाइन्स आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। 3 टाइम्स आपको एम लिखना है, और 3 टाइम्स आपको एन लिखना है, 3 टाइम्स एम फॉर मंकी, और 3 टाइम्स एन फॉर नेस्ट। जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया बच्चों, वैसे ही आपको राइटिंग करना है। देखो 3 टाइम्स एम फॉर मंकी, 3 टाइम्स एन फॉर नेस्ट, ऐसे आपको प्रॉपर पूरा रो कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, पूरी
पूरी कॉपी कंप्लीट करना, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना, ओके। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, सिखाया कैसे राइटिंग करते हैं, एम फॉर मंकी और एन फॉर नेस्ट, आपको ही प्रॉपर वैसे ही राइटिंग करना है, ओके बच्चों। प्रॉपर राइटिंग करना, प्रॉपर थ्री लाइंस में ही राइटिंग करना, ओके। नीट एंड क्लीन राइटिंग करना, डर्टी वर्क नहीं करना। आपको आप गुड बच्चे हो ना, गुड स्टूडेंट्स हो ना, तो प्रॉपर राइटिंग करना, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना, ओके बच्चों। थैंक यू, बाय।